गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप आप सबके रोज़े बहुत अच्छे से जा रहे हो तो मैंने व्हाइट पास्ता की रेसिपी आज लेकर आई है और ये वाइट पास्ता के अंदर मैंने जो भी चिली फ्लिक्स औरगैनो और बनाया है वो मैंने खुद घर में बनाया है तो चलिए शुरू करते हैं देखते हैं मेरे वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी विदाउट चीज़ एंड अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू मन चैनल से तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे मैंने पैन लिया है पहले मैं जो वेजिटेबल्स है उसको सॉट करने के लिए पैन यहाँ पे गरम की हूँ तो यहाँ पे मैंने इस पर गार्लिक डाल दिया है गार्लिक मैंने रफली चॉप करके डाल दिया है और गार्लिक को हम हल्का कच्चा ही रखेंगे और उसके बाद उस जब वो थोड़ा सा उसका पानी सूख जाए तो उसमें एक ढक्कन विनेगर डाल देंगे उसके बाद हम अपनी चॉप वेजिटेबल्स आपको जो भी वेजिटेबल्स लेना है वो ले सकते हैं यहाँ पर मैंने अनियन एंड कैप्सिकम का इस्तेमाल किया हम वेजिटेबल्स को पूरा नहीं पकाएंगे हम उसको आधा अधूरा ही रहने देंगे जस्ट हमारे जो वेजिटेबल्स हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए और ट्रांसपेरेंट हो जाए हाँ फिर उसके अंदर मैंने एक ढक्कन चिली सॉस डाला है ये ऑप्शनल है अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो बट इससे क्या होगा हमारे जो ये रहेंगे हमारे जो वेजिटेबल्स रहेंगे ना उसमें एक अलग सा फ्लेवर आ जाएगा और विनेगर डालना मत भूलना तो ये सारी चीज़ हम कंबाइन करके इसको अलग से सॉटे करके बाजू में असाइड कर लेंगे ये देखिए मेरी सब्ज़ी तैयार है इसको सिर्फ मैंने ट्रांसपेरेंट होने के रख दिया है अब यहाँ पे हम चिली फ्लेक्स बना रहे हैं मैंने जो खड़ी मिर्ची होती है हमारे घर में सबके घर में अवेलेबल होती है इसको आ, हम आ, अपने फ्राई पैन में ले लेंगे और इसको हम सेक लेंगे देखिए मेरी जो हरी मिर्ची है वो देखो थोड़ी काली हो चुकी है उसके बाद हम अपने मिक्सी में लेंगे एंड इसको ग्राइंड कर देंगे इसका इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए ग्राइंड करेंगे इसको ऐसी हम गरम-गरम गरम ग्राइंड नहीं करेंगे अगर हम गरम ग्राइंड करेंगे तो हमारी जो चिली फ्लेक्स है वो इतने रफ रफली ग्राइंड नहीं होंगे उसके बाद यहाँ पे मैंने औरकनो बना रही हूँ औरको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी थोड़ी सी सॉरी थोड़ी सी, अ, सी काली मिर्ची लिया है थोड़ा सा धनिया लिया है थोड़ा सा अजवाइन लिया है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक एक चम्मच काली मिर्ची लिया है आधा चीवा आधा चम्मच अजवाइन लिया है और एक चम्मच धनिया और आधा चम्मच सौफ लिया है ये सबको मैं आ, अपने तवे पे रोस्ट कर रही हूँ जब तक इसमें से अच्छी भुनी भुनी खुशबू ना आ जाए उसके बाद मैं अपनी मिक्सी में डाल के पीस सकती हूँ आप इसको इसका फ्लेवर आपको एकदम ऑर्गेनो का टेस्ट देगा और लिटरली ये बहुत टेस्टी लगेगा आप देखो ये दिख भी थोड़ा ऑर्गेनो की तरह ही रहा है ये लॉकडाउन के लिए बेस्ट ऑर्गेनो रहेगा अगर आप एक बार ज़रूर ट्राई करना तो यहाँ पे हम अपने व्हाइट सॉस की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर मैंने अपने पैन में एक तेल लिया है इसमें डे मिनट डेढ़ चम चम्मच वो मैदा डाल दिया है और उसको पूरा रोस्ट कर लिया है शो करें जी, अगर आप जितना भी जो आटा ले रहे हो उससे डबल हमारा तेल होना चाहिए क्योंकि हमारा तेल आटे को पूरा सोख लेकर उसको एक अच्छा सा बुनबुना टेस्ट दे देगा यहाँ पे मैंने एक गिलास पानी लिया है और उसके अंदर मैंने आधा गिलास दूध का डालकर उसको मिक्स करके और डेढ़ गिलास पानी इस पूरे सॉस के लिए यूज होगा तो उसको उस तरह से मैंने भून लिया है देख सकते हैं पहले हम धीरे धीरे पानी डालेंगे और हमारे आटे को लम्स ना पड़े इसलिए हमने इसको हल्की आँच में इसको भूनते रहेंगे और हमारा सॉस तैयार होते रहेगा मिक्स सॉस मेक श्योर sure कीजिए कि हम धीरे धीरे पानी डालें एक साथ पानी नहीं डालना है मतलब हमारा जो दूध का मिक्सचर है वो एक साथ नहीं डालना है और हमको उसको धीरे धीरे मिक्स करते रहना जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है आप अपनी डिजायर कंसिस्टेंसी का सॉस बनाएंगे या सॉस थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए सॉस एक सॉस की कंसिस्टेंसी में होना चाहिए देख लीजिए मैंने कुछ इस तरह से अपना सॉस बनाया यहाँ पे मैंने पूरा डेढ़ डेढ़ गिलास पानी का घोल लिया जिसमें आधा पानी और आधा दूध मिक्स था वो करने के बाद मैंने इसको हल्का सा पेस्ट दे दिया और मैं अपनी जो आज थी उसको थोड़ा तेज़ कर दिया जस्ट बिकॉज हमारे जो सॉस में एक हल्का सा उबाला है हमको आज तभी तेज़ करनी है जब हमारे सॉस की कंसिस्टेंसी थोड़ी लिक्विड ही हो उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है क्योंकि हमने अभी तक कहीं भी नमक नहीं डाला था तो इस हिसाब से मैंने अपने सॉस में नमक डाल दिया है ये मैं अवतार के लिए बना रही थी वाइट सॉस पास्ता अगर आपको मेरी व... पर रेसिपी पसंद आई हाँ हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू तो माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो और ये रेसिपी बहुत अच्छी है एंड इसमें जो मैंने औरगैनो और चिली फ्लिक्स बनाया है इसमें तो अलग ही टेस्ट दे देता है एंड पूरे डोमिनोज पिज्ज़ा डोमिनोज के जो आ, पास्ताज होते हैं उसी का टेस्ट दे देता है जब हमारा जो पास्ता है वो थोड़ा उबाल लेने लगे उसके अंदर अपन अपने चिली फ्लेक्स डाल देंगे अपना जो घर पे बनाए हुए चिली फ्लेक्स है वो डाल देंगे एंड उसके अंदर में हम एक चम्मच हमारा ऑर्गेना जो हमने घर पे बनाया है वो ऑर्गेना डाल के उसको मिक्स कर देंगे देखिए हमारा पास्ता का जो सॉस है वो कितना गाढ़ा और थिक बन चुका है अगर आप मेरी रेसिपी अगर ट्राई करें तो प्लीज़ हम मुझे टैग करना वो रेसिपी में मैं ज़रूर देखना चाहूँगी आपका क्रिएशन तो फिर हमने इसमें जो हमारी सब्ज़ी सॉटे की थी वो डाला है और मैंने जो पास्ता बॉईल करके रखा था वो डाल दिया आप कोई भी तरीके का पास्ता ले सकते हो आप इसको स्पेगेटी में भी बना सकते हो और ये वो सेम टेस्ट करेगा उसके बाद मैंने इसको मिक्स कर दी दे दिया है इसको मिक्स देने के बाद इसको ज़्यादा इसके बाद पकाना नहीं है ब, बस हमारा पास्ता सॉस में मिल जाए और ये बहुत ही टेस्टी था ट्रस्ट मी गाइस अगर आप इसको ट्राई करोगे तो प्लीज़ मेरे को प्लीज़ बताना बहुत अच्छा है इसका जो चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनिक का टेस्ट था बहुत टेस्टी था तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू तो अमर चैनल अगर आपको कोई और भी रेसिपी मुझसे चाहिए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे मैं ज़रूर उसको ट्राई करने की कोशिश करूंगी तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय आई होप आप सबके रोज़े बहुत अच्छे से जा रहे हो थैंक यू बाय बाय टेक केयर